ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माताओं के अंदर सहन शक्ति तो बहुत होती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी, मेरे को पति ने ऐसा बोला, बहुत बोला, मैं भी बताऊंगी। फिर शाम को जब आता है, पानी मांगता है, ले तेरे को हाथ नहीं है, खाना बनाएगी, गुस्से से बनाएगी, तो वो सहन शक्ति नहीं रही। सहन शक्ति तब शक्ति बनेगी, सहन करके उसको संभालो, आंखों से भी नहीं दिखाओ, नहीं तो कई आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाते हैं, वो भी नहीं, पानी को ये बर्तनों को ये करेंगे, वो भी नहीं। ये है सहन शक्ति। आपके व्यवहार में भी बदलाव ना आए, आपके मन में भी हलचल ना आए, तब वो सहन शक्ति है, तब वो शक्ति का रूप धारण करते हैं। सहन शक्ति एक शक्ति है, वो शक्ति तब बनेगी जब उसको अंदर क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, उसके लिए कोई निगेटिव नहीं सोचेंगे, तब वो शक्ति का रूप धारण करता है। जो सहन करना जानता है वही जीना जानता है, जो सहन करना नहीं जानता वो जीना भी नहीं जानता। जीवन में संघर्ष उतना जीवन में उत्कर्ष है, लेकिन ये सब सहन करने के लिए कर्मों का ज्ञान चाहिए। कर्मों का ज्ञान न होने के कारण 10 जगह पर जाकर के रोएंगे, उसको दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वायुमंडल को भी खराब कर रहे हैं। इसलिए हिसाब किताब को चुक्त करना है।